पुरुष विवेकानंद। विवेकानंद जयंती के परिपेक्ष में कहा साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने। मुजफ्फरपुर, भारत मात्र एक देश नहीं है और ना ही उसकी आत्मा उसके भूगोल में बसती है। भारत एक परम चैतन्य आत्मा और दर्शन है। विविधताओं में इसका सांस्कृतिक वैभव और एकत्व पूरे संसार में श्रेष्ठ और आदर्श है। ये बातें अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में आयोजित विवेकानंद और भारत विषयक एकल व्याख्यान में बोलते हुए कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। आम गोला स्थित शुभानंदी परिसर में कोरोना सुरक्षा के नियमों के पालन के बीच डॉक्टर संजय पंकज ने आगे कहा कि विवेकानंद ने भारत की समस्त दीनता और मनुष्य की हीनत से मुक्ति के द्वार खोलने का जो संकल्प लिया था वह उनकी साधना से सिद्धि तक पहुंच गया। विवेकानंद को दीनता और पलायन स्वीकार नहीं था। वह निर्भीकता के साथ अपनी बात कहते रहे और मृत्यु पर्यंत मनुष्यता के उद्धार तथा कल्याण में लगे रहे। उनके लिए धर्म मनुष्य की कुंठाओं से मुक्ति और प्रकृति के प्रेमिल साहचर्य का माध्यम था। सारे धर्मों में सद्गुणों को देखने और मानने वाले स्वामी जी ने भारतीय सनातन धर्म की जो वैज्ञानिक व्याख्या की वह पूरे विश्व के लिए अलौकिक और प्रेरक है। युवाओं के सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद इसलिए हैं कि वे ज्ञान और विवेक के संतुलन को लेकर लगातार अपने सकारात्मक अभियान में लगे रहे। भारत को जीवंत सत्ता के रूप में देखने वाले स्वामी जी ने मनुष्य को उसकी असीम शक्तियों से अपने शौर्यपूर्ण विचारों से परिचित कराया। शिकागो के विश्व धर्म संसद में जिस तेजस्वी भारत का उदय हुआ था वह फिर से विश्व गुरु बनने का संकेत दे रहा था। समृद्ध विरासत को लेकर प्रगतिशीलता के साथ स्वामी विवेकानंद वैज्ञानिक चिंतन को प्रतिपादित करते रहे। भारत के आलोक पुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के आलोक में हम अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता और असत्य से सत्य की ओर सहज ही अभियान कर सकते हैं। विवेकानंद को जानने के लिए केवल एक दिवस ही पर्याप्त नहीं है। सारे शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी एवं सामाजिक प्रतिष्ठानों में हर दिन विवेकानंद के विचार और चिंतन का मनन अध्ययन करते कराते हुए उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। बिहार गुरु के संस्थापक अध्यक्ष अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि विवेकानंद केवल वैचारिक रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक और कर्मशील रूप में भी श्रेष्ठ आदर्श हैं। नर्मदेश्वर चौधरी ने एक उद्बोधन गीत सुनाया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के साथ उपस्थित सीमित संख्या में बुद्धिजीवियों का धन्यवाद ज्ञापन चैतन्य चेतन ने किया। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।